जनपद संभल के चंदौसी में जीआरपी प्रभारी ने लाइन के किनारे बसे लोगों को लॉकडाउन का पालन करने के लिए जागरूक किया। इस समय देश भर में लॉकडाउन का दूसरा चरण चल रहा है जो कि 3 मई को समाप्त होगा। इस लॉकडाउन में यूपी के 75 जिलों में लॉकडाउन का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है। आज जनपद संभल की चंदौसी में जीआरपी अनुप शर्मा ने अपने सहयोगियों के साथ लाइन के किनारे रहने वाले लोगों को लॉकडाउन का पालन करने के लिए जागरूक किया। उन्होंने लोगों को समझाया कि लॉकडाउन का पालन करें और अपने अपने घरों में ही रहें। इस विषय में जीआरपी प्रभारी अनुप शर्मा ने बताया कि जीआरपी ने आज भैतरी फाटक और अलीगढ़ आउटर के पास चेकिंग अभियान चलाया और लोगों को लॉकडाउन का पालन करने के लिए जागरूक किया गया। उनसे कहा गया कि देखा जा रहा है कि कुछ लोग लाइन के किनारे एकत्रित हो रहे हैं। उनसे कहा गया कि वह ऐसा ना करें। गलियों में रेल पटरी के किनारे जो मकान बने हैं वहाँ जाके आपने लोगों को संदेश दिया कि घरों में रहें, इसमें क्या कहेंगे आप? आज थाना जीआरपी चंदौसी के क्षेत्र के बेहतरी फाटक अलीगढ़ आउटर पर लाइन किनारे बने लोगों के मकानों के बाहर जाकर देखा जा रहा है कि काफ़ी लोग वहां भीड़ लगाकर इकट्ठा हो रहे हैं, जिन्हें बार बार जाकर समझाया जा रहा है कि वो अपने घरों में रहें, लॉकडाउन का पालन करें। इसी के फलस्वरूप यहां ये विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया है। लोगों से अपील की जा रही है कि अपने अपने घरों में रहेंगे, लॉकडाउन का पालन करेंगे।